दिस इज द स्कैरी AF पॉडकास्ट। हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। बंद कर दे ओई का काल कोठरी में, वार्डन ने अपने चेहरे से दिलावर की थूक साफ करते हुए कहा। आज तक वार्डन से किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की थी, पर दिलावर ने जेल में आते ही सारी हदें पार कर दी। वो वार्डन को जानता नहीं था, मुजरिमों और खूनियों से भरी इस जेल में उससे बड़ा दानव और कोई नहीं था। जेल चलाते उसे 15 साल हो गए थे और वो दिलावर जैसे खूनियों को अच्छी तरह समझता था। वो जानता था कि ये लातों या हाथों के भूत नहीं हैं। ये सोचते हुए वार्डन ने सिपाहियों से कहा, रुको, इसके लिए वो अंडरग्राउंड कोठरी तैयार करो। ये बात सुन के सिपाही चौंक गए। उनमें से एक ने कुछ कहने की कोशिश की, पर वो अपने शब्द निकल गया। वार्डन का इतना खौफ था कि कोई उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं करता। जेल सिर्फ जी हुजूरी पे ही चलती थी। दिलावर, माफी मांग ले, वो कोठरी मौत से बदतर है, दबी आवाज में एक सिपाही ने उस जालिम को इंसानियत दिखाते हुए कहा। दिलावर को आज तक ना किसी बात का अफसोस था और ना किसी चीज का डर। उस सिपाही की बात नकार के दिलावर दाएं पैर से लंगड़ाते हुए बेझिझक चलता रहा। अगले दिन कैदियों में अंडरग्राउंड कोठरी खुलने की बात फैल गई। जेल में एक अजीब सी खामोशी थी। बात बात पे लड़ जाने वाले कैदी आज खामोशी से अपना दिन काट रहे थे। सिपाही दिलावर को जेल के बीचों बीच से कोठरी की तरफ ले जाने लगे। दोनों तरफ जेल में बंद कैदी उसे खामोशी से बस देखते रहे। दिलावर को उन कैदियों की आंखों में खुद के लिए दया नजर आई। वो कई बार जेल जा चुका था और कैदियों को वो अच्छी तरह समझता था। ये पहली बार था जब उसने इतने सारे कैदियों को सहमा देखा। चलते हुए काफी दूर से लोहे का दरवाजा खुलने की आवाज गूंजने लगी। ये सब देख के दिलावर के चेहरे पे न जाने क्यों मुस्कान आ गई। दूर से वार्डन उसकी मुस्कान देख के चिढ़ गया, पर वो जानता था उसकी हंसी कुछ ही पलों की मेहमान है। धीरे धीरे दिलावर आखिरी बत्ती के पार हल्के अंधेरे में पहुंच गया। सिपाही वार्डन के पास आके रुक गए। जंजीरों से बंधा दिलावर बेखौफ बिना पल के झपकाए वार्डन की आंखों में घूरता रहा। वार्डन ने डंडे से उसके बाल हटा के कहा, ये कोठरी से कोई जिंदा नहीं लौटा, कौनो आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, अंदर जाना है, वापस आके सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूंगा। दिलावर ने सीधे मुंह ये बात कह दी। ये सुनते ही वार्डन की शक्ल पे तिरछी मुस्कान आ गई, क्योंकि बदला लेना वो बखूब ही जानता था। सिपाहियों ने उसके पैरों में लंबी जंजीर बांध दी और वार्डन ने उसे डंडे से कोठरी के दरवाजे की तरफ धकेल दिया। दिलावर सीढ़ियों से कोठरी में उतरने लगा और धीरे धीरे जंजीर की आवाज कम होती चली गई। सिपाहियों के चेहरे पे एक अजीब सा डर था, जो वार्डन बखूब ही पहचानता था। 1 साल बाद ये कोठरी खुली थी। पिछले 12 मुजरिमों का इस कोठरी से सिर्फ जंजीर में बंधा पैर ही बरामद हुआ था। शायद वार्डन के अलावा और कोई नहीं जानता था कि इसके अंदर आखिर होता क्या है। इससे पहले कि वार्डन और कुछ बोलता, कोठरी से अजीब सी गुर्राने की आवाज आने लगी। वार्डन ने गर्दन हिला के अपने सिपाहियों को गेट बंद करने का इशारा दिया। हड़बड़ी में उन सिपाहियों ने भारी लोहे का गेट बंद कर दिया और उस पे ताले लगा दिए, और वो आवाज धीरे धीरे रुक गई। अपनी मूछों को ताव देते हुए वार्डन वहां से चला गया और जाते हुए उसने कहा, इस सुअर का लाश 30 दिन बाद निकालेंगे। वो 30 दिन बीत गए और आज वो काल कोठरी फिर से खुलने वाली थी। पिछले 12 सालों में आज तक कोई सिपाही उस कोठरी में नहीं उतरा था। आज भी कैदियों को जंजीर से खींच के ही निकाला जाता था। आज तक उस कोठरी से कोई शव बरामद नहीं हुआ। कभी कभी जंजीर में कटे से अटके हुए पैर मिल जाते। वार्डन बदले की आग में आज भी यही उम्मीद लगाए खड़ा था, इसीलिए उसने सारे सिपाहियों को मुंह पे रुमाल बांधने का ऑर्डर दिया। वो सिपाही जंग लगी भारी जंजीर को खींचने लगे। वार्डन की आंखें उस अंधेरी कोठरी पे गड़ी थी। उस कोठरी के अंधेरे में उसने टॉर्च मारी
और झूलती हुई जंजीर झटके से तन गई। सिपाही अपना डर छुपाए एक दूसरे को देखने लगे। तब वार्डन ने डंडा जंजीर पे मारा और सिपाहियों को देख के कहा, खाना नहीं खाए होगा, जरा दम लगा के खींचिएगा। सिपाहियों ने पूरी ताकत लगा के खींचना शुरू किया, पर जंजीर कहाँ हिलती। ये देखते हुए वार्डन ने कोठरी में आवाज लगाई, दिलावर जिंदा है तो बाहर आ जा, वरना हमेशा के लिए एक कोठरी में बंद कर दूंगा तुझे, समझा। तब अचानक जंजीर कसने लगी और कोठरी से किसी ने जोर से खींचना शुरू कर दिया। दोनों सिपाहियों के पैर कच्ची जमीन पे घसते चले गए। कोठरी में गिर जाने के डर से दोनों ने जंजीर छोड़ दी, पर एक सिपाही का पैर उस जंजीर में उलझ गया और धीरे धीरे उस काल कोठरी ने पूरी जंजीर और उस चिल्लाते हुए सिपाही को निगल लिया। ये देख के वार्डन भी कुछ हद तक घबरा गया। उसने कोठरी में आवाज लगाई, समर सिंह, समर सिंह, पर कोई जवाब नहीं आया। समर सिंह और वार्डन के बीच खामोशी बढ़ती चली गई और वार्डन का खून खौलने लगा। वो हैरान था कि 30 दिन की भूख और प्यास ने भी दिलावर का घमंड नहीं तोड़ा। आज तक उस कोठरी से कोई जिंदा नहीं लौटा था, पर अगर दिलावर आज वापस आ गया तो सारे कैदियों में काल कोठरी का खौफ मिट जाएगा और इस वजह से वार्डन का जेल चलाना मुश्किल हो जाएगा। तब अचानक लोहे का दरवाजा अपने आप ही बंद होने लगा। ये देख के वो सिपाही घबरा गया। कुछ करना तो दूर वो हिल भी नहीं पाया। वार्डन के माथे पे कई सालों बाद शिकन आ गई। उसकी आंखों में शायद पहली बार खौफ था, पर अपने कड़क मिजाज को बरकरार रखते हुए उसने एक लोहे की सलाख गेट के बीचों बीच अटका दी और गेट रुक गया। अंधेरी कोठरी के अंधेरे को देखते हुए उसने आवाज लगाई, ए रमा, तू है तो आवाज लगा। ये सुन के वो डरा हुआ सिपाही वार्डन को बेचैन निगाहों से देखने लगा। हवलदार भैरव सिंह वार्डन का सबसे खास और जेल का सबसे पुराना सिपाही था। घबराहट के मारे वो कुछ बड़बड़ाने लगा, साहेब ये क्या कह रहे हैं आप, वो रमा तो 13 साल पहले मर चुका है। अरे हमारे हमारे सामने ही तो फांसी चढ़ा था वो। वार्डन ने अपने मुंह पे उंगली रख के हवलदार भैरव सिंह को खामोश रहने को कहा। कुछ देर बाद वार्डन को गुर्राने की आवाज आने लगी। उसने झट से अपनी पिस्तौल निकाली और अंधेरे की ओर तान दी। गुर्राने की आवाज तेज होती चली गई और हवलदार भैरव सिंह की बेचैनी भी बढ़ती चली गई। गुर्राते हुए उस आवाज ने कहा, और चाहिए, नहीं मिला ना तो बाहर आके ले लूंगा। ये सुनते ही वार्डन ने भैरव सिंह को देखा। वो कोने में खड़ा थरथरा रहा था। न जाने वार्डन क्या राज छुपाना चाहता था। उसने अपने सबसे खास सिपाही पे गोली चला और भैरव सिंह उस कोठरी के जीनों से गुलाटियां खाते हुए अंधेरे में गायब हो गया। वार्डन ने अपना डर निकल लिया और पिस्तौल को ताने हुए उसने वो गेट को बंद कर दिया। गेट के बंद होते ही वो सोचने लगा, ये रमा का भूख तो बढ़ता ही चला जा रहा है, अगर ये बाहर आ गया तो साला आफत आ जाएगी। गेट बंद तो हो गया, पर उस आवाज ने वार्डन को कुछ ऐसा कहा कि उसके होश उड़ गए। अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे और आदमखोर हैं यहाँ नीचे और सारे के सारे भूखे, हमेशा की तरह मुर्दे भेजते रहना, वरना हम खुदा के ले लेंगे। स्क्रीन पे दिए गए थंबनेल पे क्लिक करके अगला एपिसोड सुने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारे जैसे लोकल आर्टिस्ट की कहानियाँ कई लोगों तक पहुँच सकती है।